सरकारी मुलाज़मीन को क्यों बरतना होगा अब एहतियात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त सरकारी मुलाजमीन को बाजाबा तौर पर ख्याल रखना होगा और दूसरा अपडेट यह है कि बसंत रथ ने क्यों दिया एक बड़ा बयान एक बिमिल्ला रहीम जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और कश्मीर क्राउन पर हमारे पास पहुंची है कुछ बड़ी खबरें अहम अपडेट्स और उन अपडेट्स को आपके साथ शेयर करते हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को क्यों बरतना होगा अब एहतियात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त सरकारी मुलाजमीन को बाजाबा तौर पर ख्याल रखना होगा और दूसरा अपडेट यह है कि बसंत रथ ने क्यों दिया एक बड़ा बयान एक मुतनाजा बयान क्यों दिया डीजीपी दिलबाग सिंह के खिलाफ एक बार फिर और बांडीपुरा की ड्रेन में पाया गया नौजायद बच्चा सबसे पहले आपको बताते हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार ने बाजा तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक अब सरकारी मुलाजमीन को बहुत एहतियात बरतना होगा जी हां जो भी सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता होगा उनको अब एहतियात से काम लेना होगा जब भी वो कमेंट्स शेयर या अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ एक्टिविटीज करते हो तो उनको बड़ा ख्याल रखना है उनको सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलना है सरकारी ऑर्डर के मुताबिक जो भी सरकारी मुलाजमीन जो भी सरकारी मुलाजिम सरकार के खिलाफ सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ कमेंट करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यानी उनको घर का दरवाजा दिखाया जाएगा क्या ये कदम सही है या गलत है यह डिबेटेबल है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई गलत कमेंट करे या उनकी पॉलिसियों के खिलाफ अगर वो अपनी राय जाहिर करे क्या वो राय जाहिर नहीं कर सकता है क्या उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है यह सबसे बड़ा सवाल है लेकिन फिलहाल सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम हिदायत यही है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखें अपना कमेंट करते वक्त ख्याल रखें शेयर करते वक्त ख्याल रखें अगली खबर सस्पेंडेड आईजीपी जो बसंत रथ है जो हमेशा से कंट्रोवर्सीज में रहे हैं उनने एक बार फिर बाजाबता तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी यानी एक दरख्वास्त अपलोड की है वो दरख्वास्त उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के नाम की है कि डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह वल्थ बलबीर सिंह है उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए यानी उन्होंने मांग की है कि दिलबाग सिंह डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी की जाए उन्होंने इस चिट्ठी में इस एप्लीकेशन में हवाला दिया है कि दिलबाग सिंह उनके मुताबिक मुबैया तौर पर कई एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है लॉटरी का हवाला दिया है बाइक्स खरीदने का हवाला दिया है लॉटरी के हवाले से जो बाइक्स कार्स या टिकट्स बेची जा रही है उनमें उनके मुताबिक उन्होंने खुर बुर्द किया है उन्होंने सीबीआई की सीबीआई जा, जांच की मांग की है यानी बसंत रथ जो हमेशा से दिलबाग सिंह डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ है उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है एक और खबर बाीपोरा से एक नवजायद बच्चा ड्रेन में पाया गया जी हां आज शुभ स्टेशन हाउस ऑफिसर बाडीपोरा जो है उनकी उनको एक इतला मिली जिसके मुताबिक उनको यह बताया गया कि एक ड्रेन में नवजायद बच्चा पड़ा हुआ है यह नवजायद बच्चा बाडीपोरा टाउन की एक ड्रेन में पड़ा हुआ था जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई तो उन्होंने एक बच्चे को पाया बच्चे को बाद में डीएनए के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज के हवाले किया गया तब हॉस्पिटल अथॉरिटीज इस बच्चे के डीएनए के हवाले से इस वक्त कुछ हैं कर रहा है आपको बता दें कि यह बच्चा अः बांडीपोरा की एक मुकामी ड्रेन में पाया गया